का गोंजवा गांव सुरंगा से बोल रहा हूँ। यह पुल रात तूफान आने की वजह से गिर चुका है, तो हमारी जो रिहाइश थी वो हमारी गुजर लोगों की पार के एरिया में थी, वो तमाम गिर चुका है। आप पार जाने का हमें कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरी अपील है इंतज़ामिया से और मेरी अपील जनाब सरपंच फारूक तीन साहब से और मेरी अपील जनाब हमारे गोंजवा तहसीलदार साहब से और डीसी कशवाहा से गुजारिश की जाती है कि आके इसका मौका किया जाए और हमारे पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। हमारे कुछ ऐसे गुजर लोग जो पार रहते थे वो वहाँ के वहीं रुक के, उनको कोई पता नहीं खाने पीने का कोई इंतज़ाम, सब बंद है। हमारा जो चलने का लकड़ी घास वगैरह का जो भी चारा था वो तमाम पार था, इसकी वजह से पुल गिरने की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी ज़मीनें चली गई हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी गुजारिश की जाती है कि हमारा इस पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए, नहीं तो हम उड़ार के उड़ार रोक के जाएंगे और पार के पार रोक के जाएंगे। तो हमारी गुजारिश की जाती है, मेरी अपील है हमारे तहसीलदार गोंजवा से, हमारे पुल का आके मौका किया जाए और हमें पुल दिया जाए और हमारे पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो हमारा पार जाने का रास्ता कट हो जाएगा और हमारे पार जाने का तमाम जो भी कुछ था तमाम ख़त्म और हमारा गाज लकड़ी वगैरह सब पार हुआ। लेकिन मेरी गुजारिश है हमारे डीसी कश्तवाड़, हमारा सरपंच फारूक तीन साल से, हमारे लीडर तारिक तीन साल से और हमारे अमेरिकन सुनील साहब से गुजारिश की जाती है कि हमारा इस पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। रात के तूफान आने की वजह से ये गिर चुका है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसका कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि हमारा पार जाने का रास्ता बिल्कुल कट हो गया है और हमारा बहुत बड़ा ज़मीनों का नुकसान भी हुआ है। हमारा मौका किया जाए आगे, हमारे इस पुल का मौका किया जाए और हमें पुल दिया जाए। मेरी ये अपील है हमारे सरपंच साहब से, फौरन आके इसकी इतला मैंने पहुँचा दिया इसको, हमारे पास रास्ता है कि आके इस पुल का कुछ ना कुछ सोचा जाए। वस्सलाम।